वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको खास रेसिपी यानी कि पाव बनाना बताऊंगी, जो कि हम बिना यीस्ट के, बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और फटाफट बन जाती है। पाव को हम बिना फॉर्मेट किए ही बनाएंगे, आटे को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पाव मैंने कैसे बनाए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 कप हमने यहाँ पर लिए है मैदा, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई शक्कर, मोटी शक्कर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है खाने वाला तेल, और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है खट्टा दही, और हमें चाहिएगा इनो, 1 और आधा चम्मच हम इसमें लेंगे इनो। तो मैदे में अब हम डाल देते हैं नमक, सभी को अच्छे से हमें छान के लेना है, पीसी हुई शक्कर, तो 1 और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है इनो। अब हम इसमें दही डाल देंगे, सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है, हमें इसका सख्त डो ही लगाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो डो को इस तरह हमें चिकना करना है। इतना डो लगाने के लिए हमने 1.5 कप पानी लिया था, उसमें से आप देख सकते हैं इतना पानी हमारा बचा हुआ है, यानी कि 1.25 कप पानी जो हमारा इसमें लगा है। तो सभी को हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम 10 मिनट तक हमें इसको मथना है, चिकना करना है, ये और सॉफ्ट हो जाएगा। हम इस तरह इसको मथेंगे, जब आप देख सकते हैं इतना हमारा जो डो है सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड करना है जो कि हमने लिया था, और फिर से हमें इसको 7 से 8 मिनट के लिए जो है अच्छी तरह हमें इसको गूंथना है। तो फिर से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, पूरा तेल जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स होना चाहिए। आज से 8 मिनट गूंथने के बाद जो है डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, हमें इस तरह का डो रखना है। तो अब हम इसको बेक करेंगे। जिस बर्तन में हमें बनाना है उसको हम तेल से अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें ग्रीस करना है। आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है, तो चलिए अब हम पहले प्री हीट भी कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने गैस को ऑन किया है, और गैस पे मैंने पैन रख दिया है। अब इस तरह का जो स्टैंड आता है वो अब इसमें हम रख देंगे बीच में। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है, तो इसको अब हम ढक के रख देंगे। ये प्री हीट होता है तब तक हम बॉल्स बनाकर पाव तैयार कर लेते हैं। अब जो ये हमने डो लगाया इसको हमें बराबर इक्वल भाग में डिवाइड करना है। तो जरा सा मैंने हाथ पे तेल लगाया है और इस तरह हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो इसकी मैं बड़ी बड़ी लोई बना लूंगी। तो यहाँ पर हमारी 5 लोई बनी है। अब 1 लोई को हम उठाएंगे और इस तरह हाथ से दबाते हुए इसको हमें गोल जो है बन का शेप देना है। इस तरह जो पाव का शेप होता है ना वो हमें इसमें देना है, और जिस बर्तन को हमने ग्रीस किया उसमें हम रखेंगे। तो इसमें अब हम रख देते हैं, इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे। इस तरह हमें इनको दूर दूर ही रखना है, तो इसको भी अब हम रख देते हैं। इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमें आटे को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमने दूध लिया है उससे हम सारे पाव को ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह सभी को हमें अच्छे से ग्रीस करना है। ऐसा करने से जो है पाव अच्छे सिकेंगे, ऊपर से कलर भी अच्छा आएगा, और ऊपर से जो है सूखे सूखे भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह मैं जो है दूध से इनको ग्रीस कर रही हूँ। तो चलिए अब इनको हम बेक कर लेते हैं। ढक्कन हटा लेंगे हम इसको, बहुत सावधानी से करना है क्योंकि बहुत गर्म हो गया है। तो धीरे से हम इसमें रख देते हैं और इसको अब हम ढक देंगे, और 20 से 25 मिनट तक हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें हमें बेक करना है। जब 20 मिनट हो जाएंगे तो हम इनको चेक करेंगे। आधा घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। बाहर से दिख रहा है कि पाव हमारे जो सीख चुके हैं,
इसको हम बड़े ध्यान से उठाएंगे, बहुत गर्म है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और कितने अच्छे जो है हमारे पाव सीख गए हैं और फूल के भी डबल हो गए हैं। ये अब हम निकाल लेंगे, तो बड़ी ही सावधानी से हमें इन्हें पकड़ के निकालना है। तो पाव पे अब हम बटर या घी लगा लेते हैं, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, पाव जो है हमारे चमकने लग जाएंगे। इस तरह सभी पे मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब अभी ये गर्म है, तो हमें क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है। गीले कपड़े से हम इसको ढक कर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो गीले कपड़े से अब हम ढक देते हैं, और आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे, और पूरा अच्छे से हम इसको ठंडा होने देंगे। तो अब हम कपड़ा हटा लेते हैं। पाव जो है अच्छे से सेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और फूल के भी जो है दुगुने हो गए हैं। पहले जब हमने रखे थे तो कितने गैप से रखे थे, और अभी देखिए कितने पास पास में हो गए हैं। पाव को हम पाव भाजी, पाव मसाला या फिर चाय के साथ हम खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। गीला कपड़ा इसलिए लगाया था हमने ताकि जब पाव ठंडे हो जाए तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब ये गर्म रहते हैं थोड़े हार्ड रहते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे तो अपने आप ही सॉफ्ट होते जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पाव बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे वो ज्यादा जो है सॉफ्ट हमें नहीं लगाना है। दूसरा, जब हम इनको बेक करेंगे तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको बेक करना है। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।